दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं और इन दुखों में से एक दुख ये भी होता है कि हम चुप नहीं रह पाते और हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आप जब भी बोलते हैं तो आपके बोलने के कारण बहुत सारे दुख निर्मित हो जाते हैं। क्या आप कभी चुप रहते हैं? जितनी आवश्यकता होती है उतना ही बोलते हैं या आप अनावश्यक बातों के सारे दिन बोलते रहते हैं? एक बार आप जरा अकेले बैठकर सोचिए कि आपने आज दिन भर में क्या क्या बोला और पता कीजिए कि आज आपने दिन भर में जो भी बोला है उनमें से ऐसी कौन सी बातें थी जो कि ज़रूरी थी और कौन सी बातें ऐसी थी जो आप बेवजह ही बोल रहे थे। परिवार में झगड़ों की वजह भी हमारा बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। हम एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है हम दूसरे के दिमाग में बिठाना चाहते हैं, उसे समझाते हैं कि देख तू गलत है, मैं सही हूँ। ये कहाँ तक सही है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है और आप एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं और फिर समय के साथ आप उन बातों को खोजते रहेंगे और एक दूसरे को सुनाते रहेंगे और ये सुनने सुनाने का माहौल यूं ही ज़िंदगी भर चलता रहेगा। पर इस वजह से हम क्या खो देते हैं? हम खो देते हैं समय, अपना जीवन, अपनी सोच और समझ और वो कीमती पल जो हम आराम से जी सकते थे, जिसको अनुभव किया जा सकता था, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता था, और हम पाते क्या हैं? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ और नष्ट हो जाता है। हमने क्या खोया इसका एहसास कुछ ही लोगों को हो पाता है, बाकी तो बस जैसे उन्हें आने का पता नहीं चलता वैसे उन्हें जाने का पता भी नहीं चलता। एक गुरु का शिष्य बहुत ही ज़्यादा बोलता था, सारे दिन इधर उधर की बातें करता रहता था। वो भिक्षा मांगने जाता और वहाँ से अलग अलग घरों से अलग अलग कहानियाँ लेकर आता और उन्हें दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य से दूसरे शिष्य की बुराई करता था और अपने आप को अधिक महान बनाने की कोशिश करता था। खुद की ही बड़ाई अपने मुंह से करता रहता था और सबसे कहता था कि मैं बहुत बड़े घर का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो आराम से ज़िंदगी जी सकता था, पर यहाँ पर मैं सत्य की खोज में आया हूँ, मेरा बलिदान बहुत महान है। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, आप सभी को एक माह के लिए कोई संकल्प लेना होगा, इससे आपकी संकल्प शक्ति और मजबूत होगी और आप में शक्ति का संचार होगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी संकल्प ले सकते हैं और जिस किसी का भी संकल्प टूट जाए वो अपनी दैनिक दिनचर्या पर लौट आए। सभी शिष्यों ने अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे संकल्प ले लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बता भी दिया। पर अब वो शिष्य जो बहुत ज़्यादा बोलता था, वो अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखाना चाहता था, तो वो सीधे गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं कोई अपनी तरह कोई बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ, कृपया आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, क्या मैं जो संकल्प तुम्हें दूंगा वो तुम पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए ये संभव होगा? तुम्हारे लिए संभव नहीं है जो मैं बताऊंगा, इसलिए तुम खुद के लिए खुद संकल्प ढूंढ लो जैसा तुम पूरा कर सको। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वही संकल्प लूंगा, आप मुझे बताइए तो सही, मैं उसे पूरा करूंगा। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा संकल्प ये है कि तुम एक माह तक चुप रहोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, एक भी शब्द नहीं बोलोगे। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये कैसा संकल्प है? ये तो बड़ा ही आसान है, एक माह चुप ही तो रहना है, कोई बड़ा संकल्प दीजिए जैसे बाकियों ने लिया। गुरु ने कहा कि तुम पहले इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य गुरु की बात मान गया और उसी समय चुप हो गया और मुड़कर अपनी कुटिया की तरफ चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था, एक दिन तो उसने जैसे तैसे करके काट लिया, पर अगले दिन उसके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न हुई। तीसरे दिन उससे चुप नहीं रहा गया, उसकी इच्छा और अधिक हो गई बोलने की। चौथे दिन उसे बहुत अजीब लगने लगा कि सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो चुप है, वो भी अपने मन की बातें उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो सिर्फ अपनी आँखों और चेहरों को बनाता रहता। कुछ दिन और बीत गए, उसका हाल बेहाल हो गया और वो बीमार सा हो गया, उसका खाने पीने में भी मन नहीं लगता था, वो तो बस बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और गुरु को लिख के बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना मुझे बोले सांस नहीं आ रही है, मुझसे जिया नहीं जाता, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि संकल्प टूटने के लिए ही बनते हैं, पर जो संकल्प को बचा लेता है वो अपनी भीतरी शक्ति को जगा पाता है और जो अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लेता है वही जागृति और समझ की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और संकल्प तोड़ देना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे कहीं गुरु भाइयों ने तो संकल्प तोड़ भी दिया और वो अपनी दिनचर्या में वापस लौट आए। तुमसे अगर नहीं हो रहा है तो तुम भी वापस अपनी दिनचर्या में लौट आओ, पर याद रहे कि तुम अगर अपने जीवन में इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल सकते तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे जीवन को कैसे संभालोगे?
निर्णय तुम्हारे हाथ में है। शिष्य के दिल पर गुरु की बात को सुनकर चोट लग गई और वो बिना कुछ बोले ही वापस अपनी कुटिया में लौट आया और उसने अपनी कुटिया को बंद कर लिया। वो अपने जरूरी काम करने के लिए ही बाहर आता और वापस कुटी में चल जाता। 15 दिन बीत गए। उस आश्रम में सभी शिष्यों के संकल्प टूट चुके थे, पर उस ज्यादा बोलने वाले शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। सब बहुत हैरान थे, इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वो अपने गुरु के पास आया और गुरु को लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, पर मेरे भीतर में बहुत सारी आवाजें हैं। भीतर ही भीतर मैं बोलता जा रहा हूँ, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा कि हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, पर अगर तुम्हारे कानों में बातें पड़ती रहेगी तो तुम्हारा मन अवश्य बोलेगा, क्योंकि इसको बोलने की आदत है। भले ही तुम मुख से ना बोलो, भीतर से बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना होगा। वो शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया और अगले दिन उसने अपनी कुटी छोड़ दी। वो जंगल में चला गया। संकल्प का समय भी पूरा हो गया। वो शिष्य वापस नहीं लौटा। सबको यही डर था कि कहीं उसे कोई जंगली जानवर ना खा जाए। 6 माह बीत गए और इसी बीच उसे खोजने की बहुत कोशिश की गई, पर वो नहीं मिला। फिर एक दिन वो शिष्य आश्रम वापस आया। उसे देखकर बाकी सभी शिष्य बहुत खुश हुए, आपस में बातचीत करने लगे। उस शिष्य ने अपने गुरु भाइयों से बात की और इसके बाद वो शिष्य गुरु के पास गया और गुरु से जाकर पूछा कि गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ, चुप हूँ, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा कि हाँ, तुम अभी भी चुप हो, मौन हो और तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं यहाँ से चला गया था तब मैं मुख से तो चुप था, पर मेरे मन के भीतर बहुत सारी आवाज़ें थी, वो बंद नहीं हो रही थी, तो मैं जंगल की ओर चला गया। वहाँ ये आवाज़ें और भी तेज हो गई। पुरानी से पुरानी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। तब मैं जान पाया कि मैं कितना गलत बोलता था। जब मैंने अपनी पत्नी को बुरा भला कहा था, अपने परिवार को, अपने माता पिता को भला बुरा कहा था, तब लगता था कि मैं सही हूँ, पर अब लगता है कि मैं कितना गलत था। पर एक दिन इन सभी बातों को सुनते सुनते मेरे भीतर से ये सारी बातें ख़त्म हो गई। बाहर से कोई बात करने वाला ना था, भीतर से कुछ आवाज़ें नहीं आ रही थी और चारों ओर बहुत शांति थी। कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन वो पहले भी आती थी पर मैंने कभी सुनी नहीं। चिड़िया के चहचहाने की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़ें, पानी के बहने की आवाज़, इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं करी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने अपने मुँह से शब्द निकाला। मैंने बोला कि ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? मैं चिल्लाया, पर मेरे चिल्लाने पर भी वो शांति भंग ना हुई। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में चल रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, पर भीतर ही भीतर मैं अकेला एकांत में हूँ। भीड़ में होता हूँ तो भी अकेला और एकांत में ही होता हूँ। जब मैं खुद भी शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। सब दिखाई देता है, सब सुनाई पड़ने लगता है गुरुदेव। गुरु ने कहा कि हम जब तक बाहर की ओर बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की ओर झुक जाएंगे, तब बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, वो सारे हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम हमेशा बोलते हैं, बेहिसाब बोलते हैं, जितना बोलना चाहिए उससे अधिक बोलते हैं और हमेशा दूसरों की बोलती बंद कर देना चाहते हैं। बस यही हमारा ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा हमारे बोलने से नष्ट हो जाती है। ऐसे पति पत्नी की ज़िंदगी के दिन हमेशा दुख भरे रहते हैं, जो सिर्फ एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते और चुप होना नहीं चाहते। वो जानते ही नहीं हैं कि दुनिया की सारी लड़ाइयाँ बोलने के कारण ही उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। व्यर्थ के बोलने से हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और यही बोलना हमें हमारे भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमेशा हमें बाहर की ओर ही रखता है। और बाहर क्या है? संसार के अलावा भीतर के संसार की ओर लौटना है तो मुँह को चुप कराना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्धत्व हुए सब एकांत की ओर गए, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े, वो एकांत में रहे और शांत रहे और भीतर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर आप चाहें तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, पर इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा बचानी होगी जिसे आप व्यर्थ की बातों में नष्ट करते आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ पीडियोल मोटिवेशन।